दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज वैज्ञानिकों के लिए एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना हमारे लिए बहुत कठिन है। बस ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े असंख्य ग्रह मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को इंग्लिश में मिल्की वे और हिंदी में शीरमार या मंदाकिनी कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन अवश्य होगा। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे प्राणी रहते होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी। तो चलिए फ्रेंड्स, इन एलियंस के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। वर्षों के वैज्ञानिक सोच से ये पता चलता है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे हैं और उन्होंने इंसानी कबीले के सरदार को ज्ञान दिया और फिर बाद में राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, माया, मोहनजोदाड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा। उन्होंने ही भारत, अमेरिका, रशिया आदि में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात उस समय नहीं मान जाती थी। मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकोन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को पूरी तरीके से बदल कर रखा। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के में पिरामिड बनाने के लिए ना तो औजार थे, ना ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इसे अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। वैज्ञानिकों ने कई वर्षों के शोध के बाद ये पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, ग्रीक और इंका जैसी सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी मिलती है वह आश्चर्यजनक रूप से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज ओरायन नक्षत्र से आए हैं। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। ये तो हुई फैक्ट्स और रिसर्च की बात, लेकिन अब मैं आपको ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एलियन देखा है। सन 2010 में खबर आई कि एलियंस 1948 के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के एफोल परमाणु स्थल पर वे उतरे थे। उन्होंने यूएफओ का दावा भी किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में हजार वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले सेल चित्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। ऐसे कई चित्र आपको इन दीवारों पर देखने के लिए मिल जाएंगे। विश्व के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि धरती के ऐसे कई हिस्सों में जहाँ मानव नहीं जाता है वहाँ पर एलियंस छिप कर रहते हैं या हमारे बीच में ही रहते हैं। ऐसी जगह जैसे समुद्री सुरंगें या हिमालय पर्वत हो सकती हैं। विश्व भर में यूएफओ के देखे जाने की घटना का वर्णन हमें कई अखबारों या किताबों से मिलता रहता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एलियंस सच में होते हैं कि नहीं। ये घटना हिमालय पर्वत की है कि 15 फरवरी को दोपहर 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफ़ेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, 1 कुत्ता, 3 पहाड़ी बकरियों और 1 बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो गोवा के एक स्विमिंग पूल में पाए गए, 2 लापता हैं। शेष बचे हुए लोगों को यह घटना याद नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना।
जो वहाँ नज़दीक फेर चला रहा था। इस तरह के सैकड़ों किस्से समय समय पर आते रहते हैं जो अखबारों पर छपते रहते हैं। एक सर्वे के अनुसार विश्व में 20% लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच इंसान के रूप में घूम रहे हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए। भारत चीन में 25% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि एलियंस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में घूमते हैं। वहीं नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम में ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते। सर्वे में शामिल 80% लोगों को पक्का विश्वास है कि एलियंस हमारे बीच नहीं रहते। तो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस